साथियों नमस्कार। बहुत दिनों से आप जो है डिमांड कर रहे थे कि कौन सा बैट लें हम, गोल्डन बीस्ट लें या फिर हंटर लें या फिर जो अभी लॉन्च हुआ है टर्मिनेटर वो लें, तो वो सब जो है सारी समस्या सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। और विलेज के जितने भी बैट हैं ये सारे बैट अभी तक जो आए हैं सारे बैट मैं आज लेके आ गया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले, ये जो है ये स्ट्राइकर के ये तीन बैट आए थे शुरुआत में, तो तीनों का कलर चेंज था, बाकी का क्वालिटी दोनों तीनों की सेम थी और कलर कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हो जैसा जिस आपको पसंद है वैसा जो है आप मंगवा सकते हो। जो इसके बाद जो बैट आए थे वो ये वज्र के बैट आई है। ये देखिए बैट जो होते हैं एक तो होता है गली के हिसाब से और एक होता है बॉक्स के हिसाब से। गली का मतलब ये हुआ कि बैट जो है जैसे आप खेलोगे, ये बैट मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला बैट है, ये जो है इस यहां से बीच में से मोटा होता है तो जहां भी शॉट लगे चाहे वो यहां लगे चाहे वो यहां लगे चाहे यहां वो कहीं भी जा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है शॉट के ऊपर कि वो कहां जाएगा, मतलब इस पे आई नहीं मारा नहीं, जहां जाएगा वहीं जाएगा वो शॉट। तो ये जो गली के अंदर अपने खेलते हैं, गली में ऐसे ही बैट को काम में लेते हैं, तो ये जो बैट है ये गली था, इसके अंदर दो ये आया। इसके बाद एक इसके अंदर एक और आया वज्र, इसका वज्र का जो एक ब्लू वाला था ये बॉक्स के हिसाब से आया, मतलब ये फ्लैट है और कंट्रोलिंग शॉट जो है अपन इस बैट से खेल सकते हैं। ये जो फ्लैट वाले बैट होते हैं जो बॉक्स क्रिकेट के जो बैट होते हैं इनके कंट्रोल से कंट्रोल में लेकर के अपन खेल सकते हैं, मतलब जहां अपन चाहेंगे वहां मार सकते हैं। यदि ऑफ साइड में मारना चाहोगे तो ऑफ साइड में मार सकते हैं और यदि लेग साइड में मार तो लेग साइड में मार सकते हैं, जहां भी आप चाहो तो वहां खेल सकते हो, शॉट खेल सकते हो। इसके बाद में एक आया गोल्डन बिस्ट, ये गोल्डन जो है, और फिर आया क्लैश सीरीज का, और इसके बाद देखिए अल्टीमेट है, और फिर उसके बाद जो है जो बहुत ही जबरदस्त बैट आए थे जो दोनों की सीरीज आई है ये हंटर। इस हंटर के बाद में टर्मिनेटर जो बैट है ये भी आया। अब क्या हुआ कि इस हंटर में जो कमियां थी उन कमियों को सुधार करके और इसको और इसका जो नया नाम दे दिया वो टर्मिनेटर दे दिया, और अब जो है ये बैट और ये बैट दोनों सेम है, सिर्फ आपको कलर ही जो है दोनों में चेंज मिलेगा, बाकी का क्वालिटी टर्मिनेटर में जो कमियां जो हंटर में जो कमियां थी जैसे इसका यहां से थोड़ा सा क्वालिटी है यहां से और टॉय जो अपने बॉटम है बॉटम की जो क्वालिटी है वो और जो है सुधारी गई है, तो इसलिए ये बैट और ये बैट क्वालिटी सेम है, बस जो है इसके कलर जो है वही फर्क पड़ा है और प्राइस भी आपको सेम मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से यदि मैं सब बैटों को लेकर के अगर मैं बात करूं कि कौन सा बैट आपको लेना चाहिए, तो सबसे पहले खेलते हो अगर आप गली के अंदर खेलते हो और कहीं भी आपको शॉट मारना है जहां चाहे जहां जाए, तो ऐसे अगर खेलना चाहते हो और लंबे लंबे शॉट खेलना चाहते हो तो उनके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ब्लैक वाले हैं जैसे ये गोल्डन बिस्ट है ये वाला बैट ले लीजिए आप। और इसके अलावा यदि आप बॉक्स क्रिकेट खेलते हो या फिर आप खुले में जैसे कंट्रोलिंग लकड़ी के बैट की तरह अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आपको जैसे ये दोनों बैट जो हैं ये दोनों बैटों के लिए मैं आपको कहूंगा कि इन दोनों बैट में आप कोई भी बैट ले सकते हो, दोनों सेम बैट है सिर्फ कलर का फर्क है। और वेट की अगर मैं बात करूं तो सारे जो बैट है लगभग सभी का वेट जो है लगभग 800, 810, 812, 815 लगभग यही जो है इनका वजन रहेगा। प्राइस जो है हालांकि ये जो है ये थोड़े से इनकी प्राइस जो है इनसे थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है। बात करें अनब्रेकेबल नहीं टूटने वाले तो क्वालिटी जो दाना है लगभग सभी में मिलता जुलता सा दाना काम मिल जाता है, यानी क्वालिटी जो है इनमें अच्छी ही रहेगी, लेकिन ये जो दोनों हैं इनकी जो क्वालिटी है ये टॉप क्वालिटी के जो बैट हैं और ये चलने में भी अच्छे हैं तो कंट्रोल शॉट जो है उन खेलने में भी जो है ये अच्छे हैं। इन सभी बैट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और विलेज स्पोर्ट्स नाम की साइट है, इसके ऊपर भी आप जाकर के वहां से आप इसको खरीद सकते हो और इसकी साइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी बैट की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो चाहो आप बैट मंगवा सकते हो और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है इसलिए आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, पूरा विश्वास इसके ऊपर आप कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।